दोस्तों, मैं ये कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ, राजनीतिक व्यंग्यात्मक कविता, आरक्षण का क्षय हो कैसे। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने आरक्षण की व्यवस्था इसलिए की थी ताकि समाज में जातिगत और धर्मगत असमानताओं को दूर किया जा सके और समतामूलक समाज की स्थापना हो सके। पर इसका परिणाम उल्टा हो रहा है। आरक्षण द्वारा ऐसी राजनीतिक पार्टियां उभर गई हैं जो जातिगत और धर्मगत राजनीति कर अपना पोषण कर रही हैं। दलितों और पिछड़ों का तो भला नहीं हुआ, पर जाति और धर्मगत राजनीति करने वाले नेताओं और राजनीतिक पार्टियों का भला अवश्य हो रहा है। ये राजनीतिक पार्टियां, जिनका आधार ही जातिगत और धर्मगत असमानता है, आखिर समतामूलक समाज की स्थापना में अपना सहयोग क्यों दें? फिर समतामूलक समाज की स्थापना हो कैसे? आइए देखते हैं इस कविता में। आरक्षण का क्षय हो कैसे, आर्यावर्त का जय हो कैसे, सबका एक बराबर हित हो, विषमता का क्षय हो कैसे। आरक्षण से दलित कुचित और पिछड़ों का हित ना होता, जो है शक्ति पुंज दलित गण, बस उनका पर हित होता। दो चार के हित से बेशक खत्म नहीं दलित अत्याचार, जाति धर्म है रोजी जिनकी, बन जाती उनकी सरकार। जिन नेताओं की जाति और धर्म विशेष ही है पोषण, वो किंचित क्या चाहेंगे पिछड़ों का ना हो अवशोषण। अभी आरक्षण से बोलो तुम क्या बन पाया देश मेरा, बटा हुआ है हिंदू मुस्लिम, दलितों में है देश मेरा। कभी महाराज नरेशों को मिट्टी में करके देश बना, फिर क्यों जाति धर्म नाम पर टुकड़ों में अवशेष बना। बिना जाति और धर्म मिटाए नहीं देश का जय होगा, एक राष्ट्र में एक जाति हो, एक धर्म हो, जय होगा। तो आओ हम देखें कैसे आरक्षण असुर मिटाएंगे, धर्म जातिगत नेता नीति पार्टी आदि हट जाएंगे। जाति धर्म के मूल में है क्या जन्म एक वंश विशेष, धर्म वंश मूल मिट जाए तो रह पाएगा क्या अवशेष। इसीलिए है राष्ट्रपनेता इतनी सी बस है दरकार, जो जाति के बाहर शादी करते उनको हो अधिकार, उनको ही अधिकार मिले संबल मिले आरक्षण का। जो धर्म इतर से शादी करते वही अधिकारी रक्षण का। वी जातीय धर्म युगल को जब मिलता हो प्रोत्साहन, फिर कैसे इस जाति धर्म का हो पाए कोई संवर्धन। माता मुस्लिम पिता हिंदू, सोचो जिस परिवार में जैन भाभी और जीजा क्रिश्चन, क्या होगा विचार में। वो गेह भी कैसा होगा, दादी वैश्य हो दादा ब्राह्मण, चाचा चाची राजपूत और परिजन जिनके होते हरिजन। जब ऐसे ही परिवार से नवल बीज उग आएंगे, फिर जाति धर्म की रटने वालों को क्या ये सुन पाएंगे। ना कोई रक्षण को उत्सुक, फिर परीक्षण क्या होगा, ना जाति होगी ना धर्म रहेगा, आरक्षण तब क्या होगा। इसीलिए इस धर्म जाति का बंद करो ये आरक्षण, जाति धर्म के इतर है जो भी उन्हें प्राप्त हो ये रक्षण। अंतर जातीय धर्म शादी से जाति धर्म का क्षय होगा,
जाति धर्म मिट जाएंगे सब, इस राष्ट्र का जय होगा। जाति धर्म मिट जाएंगे सब, इस राष्ट्र का जय होगा। इस राष्ट्र का जय होगा।